हिमाचल के हमीरपुर से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज पुणे पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। इस बीच उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की मानसिकता आरक्षण को जड़ से खत्म करने की है, तो साथ ही आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेशों को सिखों को लेकर गलत प्रचार करते हैं, लेकिन उनके परिवार ने जो अत्याचार किया उस पर खामोश है। देखिए, कांग्रेस की मानसिकता ही भारत में आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन को खत्म करने की। पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, इंदिरा जी हों, इन सब की, राजीव गांधी जी तक की मानसिकता और कांग्रेस का यही था कि आरक्षण को खत्म करना है। और राहुल गांधी जी की जुबान से फिर एक बार निकला है विदेशी धरती पे कि वो आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। और यही नहीं, सिखों के बारे में जो दुष्प्रचारों ने किया है, अरे राजीव गांधी जी के नेतृत्व में ही इस देश में सिखों का कत्लेआम हुआ। गले में टायर डाल के जला दिया गया, बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, कत्लेआम हुआ, केश काट दिए गए, गुरुद्वारों में ब्लू स्टार ऑपरेशन तक चले। अब वही राहुल गांधी जी जाके देश की छवि खराब करते हैं झूठ बोल के। जबकि मोदी सरकार में SIT का गठन हुआ सिखों को न्याय दिलाने के लिए, अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को जेल में जाने का काम भी हुआ उसके कारण। फिर करतारपुर कॉरिडोर, गुरुद्वारे के दर्शन भी हमने करवाने शुरू किए, हेमकुंड साहब तक रोपवे पहुंचाया। वीर बाल दिवस साहबजादों की शहादत पे हमारी सरकार के समय मनाना शुरू किया। 550वां प्रकाशोत्सव गुरु नानक देव जी का, 400वां प्रकाशोत्सव गुरु तेग बहादुर जी का हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने मनाया। मोदी जी ने तो सिखों को मान सम्मान दिया, कांग्रेस ने अपमान भी किया, कत्लेआम भी किया।